वॉल्यूम जो मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 550 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें तकरीबन मेरे पास 8-9 हज़ार वाली भी है, 6,000 वाली भी है। सब चीज़ों की मैंने कंप्लीट अपने जो शोरूम में जो जो चीज़ें अवेलेबल है वही कराची के प्राइस और हमारे प्राइस में कोई डिफरेंस, चीज़ रिफंडेबल भी है। अच्छा, प्राइस भी हम रिफंड रिटर्न भी हो जाता है, रिफंड भी हर चीज़ हम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यार आपने लेकर चले गए तो फिर हमने सेकंड टाइम आप आ रहे हो तो हमने कहा नहीं, हम उसको पैसे भी रिटर्न मतलब वो मना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत होंगे। तो भाई आज हम लोग बैरिया टाउन कराची में एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए थे कुछ, तो और हम लोग आए हुए थे मिडवे कमर्शियल पे जो कि बहुत ही एक फेमस जगह है बैरिया टाउन कराची में। तो यहाँ पे हम लोग जब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सी जगह मिली जो कि आपके घर को कर देगी रोशन, और इसके अलावा सर्दियों के टाइम पे जो है स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। तो मैं कहता हूँ कि यार आप लोग भी ना इंतज़ार करें ना मैं आपको इंतज़ार करवाता हूँ, तो चलते हैं उस जगह पे और आपको दिखाते हैं चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और आपके घर को कैसे आप बेहतरीन बना देंगे। तो आ जाए बिना किसी देर के। जी तो भाई हम लोग आ चुके हैं उस बेहतरीन सी जगह पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये इस जगह की मैं आपको इस शॉप का जो है नाम बता दूं। सबसे पहले इस शॉप का नाम है गैलेक्सी के नाम से शॉप मौजूद है बैरिया टाउन कमर्शियल यानी कि मिडवे कमर्शियल में। तो बाकी की बातें करते हैं अंदर और आपको सब चीज़ें बताते हैं ताकि आपको भी देखने में मज़ा और चीज़ें पता चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दें कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। मोहम्मद उमैर भाई, उम्मीद खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद उमैर भाई, सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे आप लोग कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं यानी कि कस्टमर्स वगैरह को, और आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ताकि कस्टमर आए तो सब मिल जाए उसको। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हम लोग ना फैंस पे काम कर रहे हैं। ओके, फैन की वराइटीज हमारे पास काफ़ी अलहमदुल्ला सही। फैन में मैस्के पे काम कर रहे हैं, पाथ पे काम कर रहे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी, कोई वो लोकल क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे सही। और उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें? इसके अलावा हमारे पास फैंसी लाइट्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है वॉल लाइट्स होती हैं। वॉल लाइट्स की हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज है कि दोनों बॉडी सी को कवर कर रहे हैं। फानूसी हमारे पास है, स्टेयरकेस है हमारे पास। अच्छा उबेर भाई, मैं आप थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में, क्या ये थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में बताएगा कि आपके जो यानी कि जो फैन के प्राइसेस हैं वो मल्टीपल डिफरेंट हैं या एक ही प्राइस रेंज में? बेसिकली हमने प्राइसेस अपने कराची में जो प्राइसेस चल रहे हैं हमने वही सेम प्राइसेस रखे। हमारी दूसरी ब्रांचेस भी है, बोरा पीर पे है हमारी एक ब्रांच, एक लाइट हाउस की तरफ है और गिजरी की तरफ है। हमने सबके प्राइसेस इक्वल रखे हैं, मतलब जो कराची में जो प्राइसेस है वही सेम प्राइसेस इक्वल प्राइस सेम प्राइस यहाँ पे रखे हैं। और प्राइस रेंज फ्रेम की स्पेशल में बात करें तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक अगर राउंड फिगर कुछ बता दिया। प्राइस जो मेरे पास स्टार्ट होती है कम से कम 5,900 से स्टार्ट होते हैं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो फैन है जो हाईएस्ट उस पे वो 21,000 वाला फैन इन्वर्टर है, 5 विंग्स है एसके का। ओके, और इसके अलावा जो आपने वॉल लाइट्स बताई, वॉल लाइट्स में अगर इसकी भी प्राइस रेंज सेम है या डिफरेंट है? इसकी जो सब चीज़ों की मैंने कंप्लीट अपने जो शोरूम में जो जो चीज़ें अवेलेबल है वही कराची के प्राइस और हमारे प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं। तो इनके प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जो वॉल लैम्प्स की बात करते हैं तो वॉल लैम्प जो मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 550 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें तकरीबन मेरे पास 8-9 हज़ार वाली भी है, 6,000 वाली भी है, डिफरेंट में सही हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आपने मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑल इन वन आप लोगों ने सेटअप बनाया हुआ है, तो इधर और भी अगर चीज़ें? इसके अलावा हमने कैनन पे काम कर रहे हैं, कैनन के हमने गीजर्स रखे हुए हैं, ऑरियंट भी रखा है, लेकिन यहाँ पर जो गीजर जो है बैरिया से अप्रूव कैनन है तो इसमें इम्पोर्टेड क्वालिटी की है हमारे पास क्वालिटी है सही। इसके साथ साथ हम कैनन पे इसमें ओवन्स पे भी हम काम कर रहे हैं, ओवन्स की भी हमारे कंप्लीट रेंज है। इसमें कम प्राइस वाले भी हमने रखे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग रेंट आउट कर रहे होते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि यार हमें कम से कम बजट में चाहिए, तो हमने स्टार्ट प्राइस वाले अच्छी कम प्राइस पे भी है और हमारे पास अच्छी क्वालिटी, आप इसकी देख सकते हैं क्वालिटी आप देखें कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी। अच्छा, कैनन के अलावा आप इस पे इसके अलावा किसी और पे काम नहीं कर रहे? कैनन के अलावा हम लोग स्काई फ्लैम पे भी काम कर रहे हैं। स्काई फ्लैम पे हमारे पास ओवन है,
और ग्लैम गैस पे भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास कैनन की चिमनीज भी है और ओरियन में भी है और इसके दो चार मॉडल और है लेकिन स्पेस ना होने की वजह से वो मैंने नीचे रखे हुए पर्सनली कस्टमर को दिखा देते हैं। इसके अलावा हमारा हॉब भी है और इसके अलावा अच्छा आपने यहाँ पे स्विचेस बोर्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो स्विचेस में हम लोग काम कर रहे हैं, एक्वा पे काम कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल पे कर रहे हैं और क्लिप्सर पे कर रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि यार हमें इस कंपनी में प्रोवाइड करके दे तो हम अपनी बोरा पीट की ब्रांच से सही मतलब कि आप कस्टमर को जाने नहीं देते कस्टमर को बोलते हैं कि कोशिश ये होती है कि कस्टमर जितना फैसिलिटेट करा जाए उसको करते हैं। और इसके अलावा मैं फानूस भी देख रहा हूँ, फानूस भी जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन से लगे हुए, तो फानूस के बारे में भी बताएं कि फानूस मल्टीपल उसके हैं या मतलब स्पेशलिटी आप लोग की फानूस में क्या है? स्पेशलिटी ये है कि हम पहले स्टार्टिंग में हमने लिया था तो हमने काफ़ी थोड़ा लोकल उस पर भी रखा था लेकिन यहाँ की जेंट्री थोड़ी हाई स्टैंडर्ड मांगते हैं तो इसलिए मैंने क्रिस्टल पे भी और सब आला क्वालिटी पे जो हमारी गिजरी वाली ब्रांचेस में वही सारी चीज़ें हमने वही यहाँ क्वालिटी हमने यहाँ पर रखी है। सही और इसके अलावा देखें स्टेयर केस भी आप देख सकते हैं, अगर आप ये देखें बेहतरीन केस लगा हुआ है, एक ये है एक ये स्टेयर केस में और छोटे कहीं पर स्पेस कम होता तो उसके लिए हमने कस्टमर वन टाइम इन हो जाता है तो अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है प्राइस पे भी और एक सर्विसेज भी हम अच्छी प्रोवाइड करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट कराची में है लेकिन वो हमें कॉल पे कर देता है, पेमेंट ऑनलाइन करवा देता है तो उनको डिलीवरी की भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। सही सही मतलब अच्छा डिलीवरी से बात निकली तो मैं एक चीज़ पूछूंगा कि अगर बैरिया टाउन कराची में कोई आपसे डिलीवर करवाना चाहे और पेमेंट ऑनलाइन जैसा आपने बताया कि कर दी तो बैरिया टाउन कराची में भी आप डिलीवर कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम सब जगह पे करते थे, इवन के मेरा अभी लाहौर में भी मैंने 2-3 जगह बिल्टी करवाई है। मतलब फुल सारी फैसिलिटीज आप लोगों ने प्रोवाइड कर दी कि कस्टमर कई फुल सेटिस्फाई हो गए जाए और कोई उसको वो रिग्रेट ना होगा कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर अक्सर होता है कि कस्टमर या चीज़ ले ली वो सही नहीं आई या टाइम पे नहीं पहुंची या कुछ डैमेज हो गया कुछ ऐसा। अच्छा एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है कि हम लोग कस्टमर को ये भी फैसिलिटी कर देते हैं कि चीज़ रिफंडेबल भी है। अच्छा प्राइस भी हम रिफंड रिटर्न भी हो जाता है रिफंड भी, हर चीज़ हम कर देते हैं। सही, सही, ऐसा नहीं है कि यार आपने लेकर चले गए तो फिर हमने सेकंड टाइम आप आ रहे हो तो हमने कहा नहीं हम उसको पैसे भी रिटर्न मतलब वो मना नहीं करते लेकिन इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है कि यार विद इन अ वीक और 10 डेज में आप करते हो तो हम इसको पैसे भी रिफंड करते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं पैकिंग ईच एंड एवरीथिंग जैसे लेके गए उसमें है तो फिर हम उसको सेम एजेंडी जैसे आप प्रोवाइड करी थी वैसे ही अगर रिटर्न करेंगे तो वो आप एक्सचेंज कर देंगे या रिटर्न कर लेंगे। बिल्कुल ये बहुत वो सुन्नत तरीका है, इस पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कामयाबी है क्योंकि यार ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम तो ये हर ब्रांचेस में ऐसे ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो कि होनी चाहिए और मैंने बहुत कम जगहों पे ये चीज़ देखी है कि रिटर्न नहीं करते बस ले गए तो ले गए वो बस जो है वो सोना चांदनी जो कोयला वो आप उन्हीं का है। अच्छा ये जो आपकी शॉप है इसका थोड़े से लोकेशन यानी कि एड्रेस भी बता दें ताकि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे और कुछ करना चाहे तो वो आपसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी शोरूम मिडवे कमर्शियल बी कहलाता है, प्लॉट नंबर 169 नियर सर्वर मस्जिद बिल्कुल उसी पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई ये तो बहुत सारी आपसे मैंने चीज़ें पूछी। अच्छा थोड़ा एक चीज़ और पूछूंगा कि आप लोगों के पास टेक्नीशियंस वगैरह भी होते हैं कि अगर कस्टमर को यानी कि बैरिया टाउन में कोई नीड है किसी ने कोई चीज़ मंगवाई और उसको इंस्टॉल कर दी है तो उसके लिए आप टेक्नीशियन भी साथ भेजते हैं या क्या सिनेरियो होता है उसका? नहीं बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास अगर कोई गीजर की फिटिंग में ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना इस चीज़ का इशू रहता ही है टेक्नीशियन, तो सबसे पहले मोस्टली क्लाइंट मेरे पास आके पूछते हैं कि यार आपके पास है फिटर वगैरह तो हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं फिटर्स की फैसिलिटी। और अच्छा इसके अलावा मैं एक टेक्नीशियन से ही रिलेटेड सवाल पूछूं कि कोई टेक्नीशियन यानी कि किसी कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक का कोई इशू आता है फॉर एग्जांपल किसी घर की वायरिंग में कोई इशू आ रहा है कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो वो टेक्नीशियन भी आप प्रोवाइड करते हैं या? बिल्कुल करते हैं, हमारी अपनी टीम है मतलब इससे हट के भी इंस्टॉलेशन से हट के भी सेपरेट
मतलब आप वो कोई काम करवाना चाहे उसके लिए भी आप बंदा प्रोवाइड कर देते हैं। बात देखें काफी चीजों की मेरी वारंटी क्लेम होती है तो वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू भी करवा देते हैं। सपोज अगर ओवन में चिमनी किसी चीज में भी प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट कंपनी से हम खुद कॉन्टेक्ट करते हैं। इवन के कस्टमर को नहीं कहते कि यार आपको नंबर, मोस्टली जगह पे ऐसा होता है कि लोग नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि यार आप इसी पे कॉन्टेक्ट करो, हम खुद करते हैं, हम मंगवा अरेंज भी करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे फॉलोअप भी लिया जाता है। या तो एक चीज और कर देते हैं कि यार वो कह देते हैं कि यार आप ये नंबर है, या तो आप इनके कस्टमर सर्विस सेंटर चले जाएं, हाँ। वहाँ पे जाके आप वो कर लें, क्लेम कर लें और वो आपको वो कर देंगे। मोस्टली जगह पे, अक्सर जगह पे ये कह डायरेक्ट कह देते हैं, वो इतना इंटरटेन नहीं करते जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इंटरटेन करते हैं इस तरीके से। बहुत कम लोगों को देखा है मैंने। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो फिर मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।